देखो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि उल्टा तुमने मुझे बुरा भला कहा था और एक एक चीज उठा उठा के मारी थी। एक मशवरा दूं, अब्बा को ना माफ कर दें। मुझे इस टॉपिक पर तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारे अब्बा को अम्मा जान ने निकाला था इस घर से, मैंने नहीं। उनसे जाके बात करो। ये बड़ा अनोखा काम है ना जो हमारे ही घर में हुआ होगा शायद, कि माँ ने अपने सगे बेटे को तो निकाल दिया लेकिन बहू को रख लिया। अगर किसी को असल में वुमेन एम्पावरमेंट देखनी है ना तो हमारे घर तशरीफ ले आए। तुम्हें इतना एतराज है तो जाके दादी से बहस करो ना। दादी ने अब्बा को आपकी वजह से निकाला था और अब्बा की वापसी आपकी माफी पे डिपेंडेंट है। मैं तो नहीं माफ करने वाली। क्यों नहीं माफ करेंगी? जब जानी जैसा अजनबी हमारे घर में पला है तो अब्बा को क्यों निकाला हुआ है? अम्मा आपकी जो रहम दिली का क्राइटेरिया है ना, मेरी समझ से बाहर है कि अपनों को डांटो और गैरों में बांटो। तो कभी अपने अब्बा से सवाल किया है? अरे उन्हें घर से निकाला था, वापस भी तो आ सकते थे, लेकिन वो तो चले गए मलेशिया। 10 साल के बाद शक्ल दिखाई उन्होंने। वो बिजनेस के लिए गए थे, हमारे फ्यूचर के लिए। अब देख लेना कितनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। उन्हीं 10 साल की मेहनत है ये। और भूले मत कि ये घर और इस घर के एक्सपेंसेस अब्बा के पैसों से चलते हैं। तुम शौक से अपने अब्बा की करो तरफदारी, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करोगी तुम।